क्या तुम व्हाट्सएप यूज करते हो? आई नो तुम यूज करते हो, लेकिन अगर तुम व्हाट्सएप यूज करते हो और ये नया 10 अपडेट तुम्हें नहीं पता तो क्या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? यार आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए 10 ऐसे अपडेट जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? और हो सकता है बहुत सारे तुम्हें पता, लेकिन कुछ ऐसे अपडेट भी होंगे जो शायद तुम्हें पता नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। मजा आएगा। तो व्हाट्सएप की सबसे पहला अपडेट है साइलेंस अननोन कॉल। अच्छा, तो तुम लोगों को पता नहीं, रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जहाँ पे व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से कॉल आते थे और स्कैम हो जाता था। मतलब तुम्हारा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करता था, फिर यार कुछ मतलब एडल्ट कंटेंट की तरह बनाते थे, तुम्हें ब्लैकमेल करते थे। इवन बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप कॉल आते थे जहाँ पे बोलते थे कि तुम लॉटरी जीत चुके हो, तुम्हें मतलब ऐसे तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने, उसके बाद तुम्हारे बैंक में इतने पैसे आ जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। इवन कहीं पे मैंने सुना था कि यार व्हाट्सएप पे ऐसे कॉल आते थे जिसके बाद तुम्हारा फोन ब्लास्ट करता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये रियल है कि मतलब फेक है, बट मैंने ऐसे सुना था। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम होता था व्हाट्सएप के जरिए। तो व्हाट्सएप ने ऐसा नया अपडेट लाया है जिसके वजह से अब अगर तुम्हारे फोन पे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, नो मैटर वो वीडियो कॉल हो वॉइस कॉल हो, तो तुम उसको मतलब साइलेंट कर सकते हो, मतलब तुम्हारे फोन पे रिंग नहीं करेगा। हालांकि तुम लोगों को पता होगा नो मैटर व्हाट्सएप पे मतलब कौन से नंबर से कॉल आता है, क्या आता है, अगर तुम्हारे पास कॉल आता है तो एक विंडो शो हो जाता है, आई मीन तुम्हारे फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाते हैं और वो ऐसा रिंग होता है जिसको तुम साइलेंट भी नहीं कर सकते। बात तो सही है। अगर तुम साइलेंट अननोन नंबर को ऑन करके रखोगे तो तुम्हारे फोन पे अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो तुम्हें बिल्कुल भी रिंग सुनाई नहीं देगा, मतलब रिंग होगा ही नहीं। तो इसको ऑन करने के लिए बस तुम्हें व्हाट्सएप पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद जो नीचे अननोन साइलेंस अननोन कॉल वाला जो ऑप्शन है इसको टर्न ऑन करो, दैट्स इट। तो उसके बाद आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड अपडेट होता है प्राइवेसी चेकअप। ये एक ऐसा नया अपडेट है जिसकी वजह से तुम अपने व्हाट्सएप पे जो है बहुत सारे प्राइवेसी आई मीन रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मतलब कौन कौन जो है तुम्हें अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, कौन लोग जो है तुम्हें कॉल कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम जो यहाँ पे आके इन ऑप्शंस को देख सकते हो, मतलब कौन कौन लोगों को तुमने ब्लॉक कराया, फिर तुम अनब्लॉक करना चाहते हो या फिर किसी को ब्लॉक करना चाहते हो, या फिर कौन लोग तुम्हें ग्रुप में ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो। मतलब बेसिकली तीनों चीज तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। एक रिसेंटली आया हुआ एक अपडेट था। सो आते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चलो भाई, उसके बाद जो एक नया अपडेट आया जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो है ऐड मल्टीपल अकाउंट। मतलब अब तुम एक ही व्हाट्सएप पे मल्टीपल अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। वाओ, मतलब बहुत सारे नंबर को कनेक्ट करके एक ही व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। तुम्हें पता होगा पहले जब हमें यार मल्टीपल अकाउंट यूज करना होता था तो हमें व्हाट्सएप की अलग अलग कॉपी बनाना पड़ता, मतलब डुअल एप्स का यूज करना पड़ता, या फिर कई बार हमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप बिजनेस और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता था। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। बट अब से तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास दो या इससे भी मल्टीपल नंबर्स है तो तुम एक ही व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बना सकते हो, उस नंबर से रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद तुम स्विच कर सकते हो अकाउंट के बीच में, मतलब जो भी अकाउंट चाहिए उस पर तुम स्विच कर देना, एंड दैट्स इट। और ये वाला ऑप्शन भी यार व्हाट्सएप जो तीन डॉट है यहाँ पे क्लिक करो, नीचे वाला देख सकते हो ऑप्शन है स्विच अकाउंट करके। तो इसकी मदद से तुम अपने मल्टीपल अकाउंट को यूज कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन के अंदर। तो ये अपडेट तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना, अगर पसंद है तो लाइक जरूर करना। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी आता हूं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, HD फोटोज एंड वीडियोस। यस, अब तुम व्हाट्सएप पे यार HD फोटो और वीडियो सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव भी कर सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तुम लोगों को बताऊंगा पहले हम व्हाट्सएप से जब भी फोटो वीडियो सेंड करते थे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता था, इसलिए हमें कई बार जो फोटोज को डॉक्यूमेंट करके भेजना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जो है व्हाट्सएप पे HD फोटो और वीडियो सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव भी कर सकते हो। बस तुम्हें व्हाट्सएप पे जाना है, कोई भी फोटो वीडियो तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन है HD वाला इसको तुम्हें क्लिक करना है, दैट्स इट। अब तुम्हारे फोटो वीडियो की क्वालिटी जो भी होगा वैसे ही चला जाएगा या फिर उसे हाई क्वालिटी में चला जाएगा। तो ये अपडेट पसंद आया तो लाइक जरूर करना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो उसके बाद एक ऐसा अपडेट जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया वो है एडिट योर मैसेज। यस, अब व्हाट्सएप तुम्हें अलाउ करते हैं अपने मैसेज को एडिट करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम व्हाट्सएप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कई बार तो ऑटो करेक्ट की वजह से भी स्पेलिंग मिस्टेक होता था या फिर कई बार हम उनसे ही टाइप करने में गलती हो जाता था। लेकिन व्हाट्सएप अब तुम्हें अलाउ करेगा 15 मिनट तक, मतलब अभी अगर मैं कोई मैसेज को सेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, अगर उस मैसेज को मैं चाहूँ तो एडिट करके मतलब सही कर सकता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये वाला अपडेट भी यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मैं सिंपली क्या करना है, किसी को भी अगर तुम मैसेज सेंड कर रहे हो अगर तुम्हें लगता है वो गलती हो गई या फिर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो बस मैसेज को क्लिक करना है, थोड़ा सा प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडिट वाला ऑप्शन, तो बस एडिट कर दो, दैट्स इट। तो ये अपडेट भी कैसा लगा जरूर बताना। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
चैट लॉक फीचर्स। यस व्हाट्सएप पे एक नया अपडेट आया है चैट लॉक फीचर्स। अब ये बेसिकली यार कपल लोगों के लिए हो सकता है, लाइक मैं सोचता क्योंकि मेरा तो काम नहीं है, बट तुम अपने किसी भी चैट को लॉक कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप लॉक एक अलग चीज है, किसी भी इंसान या फिर किसी ग्रुप की मैसेज को तुम लॉक कर सकते हो। मतलब उस मैसेज को तभी तुम एक्सेस कर सकते हो जब तुम वहां पे अपने जो पैटर्न या फिर जो लॉक लगे उसको अनलॉक करने के बाद ही। जो यार बेसिकली यार मुझे लगता है कि कपल लोगों का बहुत ही काम आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम चाहते हो दूसरे लोगों को किसी का चैट नहीं दिखाने के लिए अपने BFZ का, तो उसको लॉक करके रख दो एंड दैट्स इट, वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी इंसान को तुम अपना फोन दे सकते हो, वो कितना भी चेक क्यों ना करे उस पर्टिकुलर मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आते हैं आप अभी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चलो भाई, क्रिएट कॉल लिंक्स इन ग्रुप। यस एक नया अपडेट है। सो ऑब्वियसली तुम लोगों ने जूम या फिर गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा, जहाँ पे क्या होता है हम जब भी एक मतलब रूम बनाते हैं ना वहाँ पे उस लिंक को हम अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली या फिर अगर कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता था। उसके बाद जो हम उसमें ज्वाइन करते थे एंड वो मीटिंग हम अटेंड कर सकते या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हम अटेंड कर सकते। अब तुम व्हाट्सएप पे भी सेम काम कर सकते हो। मतलब तुम जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस एक वीडियो कॉल की लिंक जनरेट कर सकते हो, उसको अपने दोस्त फैमिली जिसको भी हो उसको सेंड कर सकते हो। उसके बाद वो इंसान उस लिंक की वजह से तुम्हारे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, जिसकी वजह से अब तुम यार जूम कॉल वगैरह इन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब तुम व्हाट्सएप से सब कुछ कर सकते हो। तो ये एक अपडेट बहुत ही बढ़िया जो मुझे पर्सनली लगा। तो अभी आते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो व्हाट्सएप पे एक नया अपडेट आया है जो है व्यू वंस विद स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग। यस एक नया अपडेट जो बहुत ही बढ़िया है। तो तुम लोगों को बताओ, इससे पहले हम जब भी फोटो सेंड करते थे वो फोटो यार डिलीट फॉर एवरीवन करा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि लोग उसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा एक अपडेट है जिसकी वजह से तुम जो एक फोटो को व्यू वंस करके सेंड कर सकते हो। और इसका सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है, कोई भी इंसान अगर उसको एक बार देखता है और उससे बैक करता है, उसके बाद वो फोटो गायब हो जाता है, मतलब डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद कोई भी इंसान उस फोटो को सेव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता, मतलब व्हाट्सएप भी उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब भाई किसी भी तरीके से तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, मिनिमाइज करके भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी मुझे लगता है पर्सनली कपल का बहुत ही काम आएगा, क्योंकि समझ रहे हो, समझ रहे हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसकी वजह से तुम इसको यूज कर सकते हो। तो ये भी एक अपडेट मुझे लगता है तुम लोगों का बहुत ही काम आएगा। तो अभी आता हूँ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट एक ऐसा अपडेट जो बेसिकली यार मुझे बहुत ही पसंद आया, वो है AI इंटीग्रेशन। मतलब मेटा ने अपना जो है लॉन्च करा था AI, जहाँ पे तुम जो फोटो जनरेट कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मतलब सवाल जवाब कर सकते हो। तो वो वाला ऑप्शन भी यार व्हाट्सएप इसी तरीके से रहता है, ये वाला जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे जो चैट ऑन हो जाता है, उसके बाद तुम जो यहाँ पे बात कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये बेसिकली एक चैट बॉक्स ही है जहाँ पे तुम बात करके सवाल जवाब कर सकते हो, प्लस तुम फोटो भी जनरेट कर सकते हो। तो ये वाला अपडेट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये नॉट ओनली व्हाट्सएप, तुम्हें जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा ये सेम ऑप्शन। तो उसके बाद और एक अपडेट है व्हाट्सएप कम्युनिटीज। अब यार बहुत लोगों को ये वाला अपडेट पता ही नहीं, मतलब ये है क्या, लोगों को लगता है यार भाई ये बेकार में कोई अपडेट दे दिया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं, इसका भी बहुत ही काम होता है। तो तुम्हें ऑब्वियसली ये वाला व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर देखा होगा। तो इसका काम क्या हुआ पता है? नहीं। अगर तुम एक टीचर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो हर ईयर नए नए स्टूडेंट बैचेस आते रहते हैं, या फिर इट कैन बी पॉसिबल तुम्हारे पास मल्टीपल मतलब स्टूडेंट होंगे, अलग अलग ग्रुप होंगे, या फिर तुम अलग अलग अगर सब्जेक्ट पढ़ाते हो। तो अगर तुम एक स्कूल के प्रिंसिपल हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो हर एक शिक्षण की या फिर हर एक क्लास के अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। तो तब तुम एक कम्युनिटीज बना के उन सारे ग्रुप को एक ही कम्युनिटी में ऐड कर सकते हो। अच्छा, मेरे दोस्तों के जो ग्रुप है वो अलग है, उनको मैं एक अलग कम्युनिटी में ऐड कर सकता हूँ। मतलब मान लो मेरे हजारों दोस्त के वाला हजार ऐसे ग्रुप है, उन सबको मैं एक कम्युनिटी में ऐड कर सकता हूँ फ्रेंड करके। उसके बाद अगर मान लो मेरे जो कॉलेज के ग्रुप है, इट कैन बी पॉसिबल मेरे पास 10 या 20 कॉलेज के ग्रुप हो सकते हैं, तो उन सबको मैं एक कम्युनिटी के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो ये वाला इसीलिए क्या करता है, तुम्हें बहुत सारे ग्रुप एक ही कम्युनिटी के अंदर ऐड करने में हेल्प करता है। उसके बाद तुम उस कम्युनिटी के अंदर जाके जो भी ग्रुप में पसंद है, जो भी सेंड करना है, तुम सीधा सेंड कर सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये वाला अपडेट भी बहुत ही बढ़िया है अगर तुम्हें पता है उसको यूज कैसे किए जाते हैं। अदरवाइज यार बहुत सारे ग्रुप किया होता है, पता है कई बार नीचे चले जाते हैं, कई बार कुछ ग्रुप मिलते ही नहीं है, हमें पता नहीं ये ग्रुप किसके लिए था। तो बस तुम कम्युनिटी बना के उनको बस एक मतलब रख सकते हो। ये अपडेट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं तुम्हें पसंद आया होगा कि नहीं। तो यही 10 ऐसे अपडेट थे जो मुझे पर्सनली पसंद आया और मुझे लगता है कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर पसंद है तो लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।